सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, जय हनुमान। मित्रों, आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शुक्रवार 2 मार्च को चैत्र पूर्णिमा पर आप होली के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय करें, और ये वो तिथि होती है जिस दिन आप अगर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हनुमान जी आप पर इतनी कृपा बरसाते हैं कि पूरे साल आपको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, और बिना दुख के, बिना समस्या के आपका पूरा साल जो है बहुत आसानी से, बहुत शुभता के साथ व्यतीत होता है। तो होली पर होते हैं हनुमान जी प्रसन्न। जानिए स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। होली पर विशेष वरदान देते हैं हनुमान जी, तो ये अवसर आपको चूकना नहीं चाहिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का। आइए जानते हैं किस तरीके से आप स्थिति का लाभ ले सकते हैं। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कई सिद्ध साधक इस दिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्राचीन प्रामाणिक विधि से पूजन पाठ करते हैं। इस दिन असुरी शक्तियों का नाश हुआ था, अतएव होली पर हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला उपाय जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, आपका कल्याण कर सकता है। होली की पूर्णिमा पर हनुमान जी को तांत्रिक विधि से यदि कोई व्यक्ति सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाता है तो उसका हर बिगड़ा हुआ काम, काम में आने वाली हर कठिनाई और बाधा को, समस्या को आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। होली पर पवन पुत्र हनुमान विशेष वरदान की मुद्रा में होते हैं, अतः उनके लिए किया गया हर छोटा से छोटा उपाय आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला होता है। सच्चे मन से प्रभु राम का ध्यान करके, मन तन को स्वच्छ करके आप शुद्ध हो जाएं और साफ वस्त्र धारण करें। यदि लाल रंग की धोती या लाल रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो और भी अच्छा होगा। ध्यान रखें कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। चोला चढ़ाते समय चमेली के तेल का एक दीपक हनुमान जी के समक्ष भी जला करके आप रख दें। श्रद्धा के अनुसार या जानकारी के अनुसार, जितनी भी आपकी जानकारी है उसके अनुसार आप जो भी पूजा कर सकते हैं वो पूजन कर लें। पूजा करने के बाद चोला चढ़ाते समय प्रभु श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करते रहें। अगर आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या कुछ और अलग अलग मंत्र मालूम है हनुमान जी के, तो वो आप उच्चारण कर सकते हैं, वो आपको करते रहना चाहिए। और कुछ भी नहीं मालूम है तो जय हनुमान आप बोल सकते हैं। चोला चढ़ाने के पश्चात हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा सा आपको छिड़क देना चाहिए। अब एक साबुत पान का पत्ता लें और इसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ और चना रख करके हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठ करके तुलसी की माला से, अगर जो मंत्र मैं बताऊं उस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कम से कम 5 माला जाप करना चाहिए। इस विशेष मंत्र के अलावा आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ भी कर सकते हैं, या जिस भी मंत्र का प्रयोग आप हनुमान जी से संबंधित मंत्र का प्रयोग करते आ रहे हैं उस मंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का उच्चारण आपको वहां बैठ करके कम से कम 5 माला जरूर करना चाहिए, तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन, सफेद चंदन की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये विधि बहुत छोटी सी है, बहुत सामान्य सी है, लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। इस विधि को आपको भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इस विधि को आप जरूर अपनाएं, आपका कल्याण हनुमान जी अवश्य करेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि होली का पर्व आपके जीवन के सभी दुखों को दूर करेगा। हनुमान जी का ये चमत्कारी टोटका आपका कल्याण अवश्य करे, इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ आप सभी को एक बार पुनः होली के पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामना देता हूं। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना।
आप हमें फोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।